20 टीमें 55 मैच, 2 जून से ये कारवां शुरू हो जाएगा और ये कारवां 29 जून तक चलेगा। फाइनल मुकाबला होगा 29 जून को। T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसा वर्ल्ड कप जिस पर सबकी नजरें पूरी दुनिया भर की लगी हुई हैं। होस्ट है अमेरिका और वेस्टइंडीज, और वेस्टइंडीज जो कि 2 बार की चैंपियन है और अमेरिका में पहली बार जो है वर्ल्ड कप का ये आयोजन। और अगर हम देखें तो 4 ग्रुप हैं और 4 ग्रुप में हर ग्रुप में 5-5 टीमें हैं, कुल मिलाकर 20 टीमें शिरकत कर रही हैं। भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका, ये हैं ग्रुप ए की टीमें। ये आप देख सकते हैं ग्रुप ए के का शेड्यूल हमने आपके लिए रखा है। 5 जून को भारत का मुकाबला आयरलैंड के साथ होगा, भारत अपने अभियान की शुरुआत करेगा और उसके बाद न्यूयॉर्क में ये मुकाबला होगा नसाऊ काउंटी स्टेडियम में, और उसके बाद भारत का पाकिस्तान से बहुप्रतीक्षित मुकाबला जिसका हर कोई बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है, 9 जून को यह मुकाबला होगा भारतीय समय के अनुसार 8 बजे। तो सभी मुकाबले शाम को 8 बजे से आयोजित किए जाएंगे और उसके बाद भारत को अमेरिका, मेजबान अमेरिका से खेलना है न्यूयॉर्क के मैदान में, और ये मुकाबला 12 जून को होगा 8 बजे से, और फिर कनाडा से फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा यानी 3 मुकाबले भारत को अमेरिका से न्यूयॉर्क में खेलने हैं, न्यूयॉर्क में, और 1 मुकाबला फ्लोरिडा में होगा। तो न्यूयॉर्क में 3 मुकाबले और फ्लोरिडा में 1 मुकाबला, और ये भारत का शेड्यूल है। हमने एक ग्रुप ए की टीमें आपको बताई कि आप देख सकते हैं आयरलैंड, भारत, आयरलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा। ग्रुप बी की टीमें की अगर बात करें तो इसमें जो राइवल टीमें हैं इसका हर कोई इंतजार करता है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और साथ में नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान, ये ग्रुप बी की टीमें। ग्रुप सी के में न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान, युगांडा और पापुआ न्यू गुनिया, और ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड और नेपाल। तो ये है सिनेरियो, 20 टीमें, 4 ग्रुप, हर ग्रुप में 5 टीमें, और इसमें से 2 टीमें जो है जाएंगी सुपर 8 में हर ग्रुप से। तो यहाँ पर सुपर 8 के जो मुकाबले होंगे वो वेस्टइंडीज में आयोजित किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें जो है अपने सभी मुकाबले जो है वेस्टइंडीज में खेलेगी, जबकि ग्रुप ए की टीमें और ग्रुप डी की टीमें अपने सभी मुकाबले, अपने लीग मुकाबले अमेरिका में खेलती हुई नजर आएंगी। यानी ग्रुप डी की टीमें, एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूं, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और उसके बाद नीदरलैंड और नेपाल, ये 5 टीमें होंगी ग्रुप डी की टीमें जो अपने लीग मैचेस अमेरिका में खेलेंगी, और सुपर 8 के सभी मुकाबले आयोजित किए जाएंगे वेस्टइंडीज में। और बैड वेदर अगर रहता है तो लीग के मुकाबले जो है कोशिश यही है, लीग और सुपर 8 के मुकाबले 5-5 ओवर के कर दिए जाएंगे, सीमित कर दिए जाएंगे, और सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले जो है उसमें 10-10 ओवर के मैच होना अनिवार्य है। और ये कुछ सिनेरियो है, और अमेरिका में बहुत लंबे समय 1895 में भी कुछ मैचेस के खेलने के प्रमाण मिले हैं। अमेरिका और कनाडा के बीच में सीरीज हुआ करती थी, और उससे पहले भी 1709 में भी कुछ एक मैचों के प्रमाण मिले हैं। तो अब मैच बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, रोचक होने वाले हैं, लेकिन क्योंकि एक चुनौती ये भी रहेगी कि अमेरिका में आयोजन है और उसमें कई तगड़ी टीमें हैं, कई बिल्कुल क्वालिफाई करके आई हैं टीमें, उनके बीच में कहीं वन साइडेड मुकाबले आपको देखने को ना मिले, क्योंकि 8 टीमें तो वो हैं जो पिछले वर्ल्ड कप में टॉप 8 में थी, और उसके बाद 2 क्वालिफायर टीमें, 2 बेस्ट रैंकिंग टीमें जिसमें अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यानी 10 हो गई, और उसके बाद 2 टीमें होस्ट हैं, अमेरिका और वेस्टइंडीज, और यूरोप से आयरलैंड और स्कॉटलैंड ने क्वालिफाई किया है, और अफ्रीका से इस बार नामीबिया और युगांडा ने, और एशिया से नेपाल और ओमान ने, और अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वहां से क्वालिफाई करने वाली टीम कनाडा है, ईस्ट एशिया पैसिफिक से पापुआ न्यू गुनिया। तो इस तरह से कुल मिलाकर यहां 20 टीमें शिरकत कर रही हैं, और यहां पर हम आपको बता दें कि 4 रेफरी होंगे, और 4 रेफरियों में जवागल श्रीनाथ भारत से होंगे। और अंपायरिंग की अगर बात करें तो अंपायरिंग में 20 अंपायरों का इस्तेमाल होगा, 20 अंपायर अपनी सेवाएं देंगे, और उसमें 2 भारतीय भी होंगे, नितिन मेनन और जयरामन मदन गोपाल। तो तैयार हो जाइए शाम को 8 बजे, 8 बजे का वो समय है जो प्राइम टाइम होता है, हर कोई टीवी के साथ आपको चिपका हुआ जरूर दिखाई देगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, नमस्कार।